हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं मुदित कुमार सिखा रहा हूँ आपको Drupal 8। Drupal 8 की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि हम अपने सिंगल मॉड्यूल जब भी हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम मल्टीपल पेजेस को कैसे बना सकते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में अपना एक बेसिक पेज बनाया था, तो हम इस वीडियो में एक इंफॉर्मेशन पेज बनाएंगे उसी मॉड्यूल के अंदर और उसको कॉल कराएंगे और उसको एक पाथ देंगे। तो वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने ये बेसिक पेज बनाया था, तो आज हम अपना एक इन्फॉर्मेशन पेज बनाएंगे, उसका एक पाथ भी देंगे। तो वो देख लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन, ये हमने एक मेथड बना दिया है और इस मेथड के अंदर हम एक रिटर्न करा देते हैं। जैसे हमने इसका नाम टाइटल दे देते हैं। इन्फॉर्मेशन पेज इस तरह से, देन हम इसका मार्कअप लेते हैं, जो भी हमें इस पे प्रिंट कराना है इस पेज के ऊपर शो कराना है। लाइक हम ले लेते हैं दिस इज अ इन्फॉर्मेशन पेज इस तरह से, और इसको सेव करा लेते हैं और सेमी कॉलन बंद कर देते हैं। देन हमें करना ये है कि हमें राउटिंग फाइल को ओपन करना है एंड दिस, या तो आप इस पूरे कोड को कॉपी कर लीजिए, बट मैं कहूँगा कि आप कोड को कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि हमें क्या लिखना है, और सिंटेक्स भी आपको पूरा याद होना चाहिए। वो आपका एक बेस्ट वे होगा इसको याद करने का। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं या कोई भी करता है, इसको कॉपी करेगा और इसको सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी हमें, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो आपको लिखने की आदत बनानी है, जिससे आपको ये चीज़ याद भी हो जाएगी। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम अपने मॉड्यूल का नाम बेसिक पेज, क्योंकि हम सेम मॉड्यूल में काम कर रहे हैं तो हमें वही नेम देना है। देन हमारा जो मेथड है हमने क्रिएट किया है उसका नाम देना है हमें यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं और देन पेस्ट कर देते हैं। कॉलन देन स्पेस स्पेस पाथ कॉलन देन स्लैश और उस पेज का नाम जो कि हमें देना है, हम यहाँ देते हैं इन्फॉर्मेशन। देन हमारा डिफॉल्ट्स कॉलन एंटर स्पेस देन कंट्रोलर कॉलन स्पेस एंड हमारा पाथ स्लैश बेसिक पेज। ये हमारा मॉड्यूल का नाम है बेसिक पेज। देन कंट्रोलर, हमारे कंट्रोलर का नाम, कंट्रोलर का नाम हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं एंड कॉलन कॉलन देन हमारा मेथड, ये हमारा मेथड आ गया। देन एंटर प्रेस करते हैं। अगर आप टाइटल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज को टाइटल लिख के भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं इस तरह से, या आप ना भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने टाइटल ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे भी तो वो ओवरराइड हो जाएगा। ओके, तो हमारा टाइटल हो गया है। देन हम लिखेंगे रिक्वायरमेंट देन परमिशन एक्सेस कंटेंट इस तरह से। ओके, इसको हमने सेव कर दिया है और हम अब कैशे को क्लियर करेंगे। कैशे क्लियर कर लेते हैं। ये हमारी कैशे क्लियर हो गई है। अपने पाथ को कॉपी करते हैं, कॉपी एंड अपने यूआरएल में पेस्ट कर देते हैं एंड एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए ये हमारा पेज आ गया है, इन्फॉर्मेशन पेज, जो कि हमने टाइटल दिया था, और ये हमारी इसकी पेज के ऊपर जो हमें शो कराना था हमारा वो भी आ गया है। ओके, तो हमने ये सीख लिया है कि हम मल्टीपल पेजेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एक मॉड्यूल के अंदर। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रख लेना और ये सारा आपको टिप्स पे होने चाहिए, तभी आपको
इसको इजीली आप कर पाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक टेम्पलेट ट्विक बनाएंगे, ठीक है, और जो भी हमारा डेटा है हम उस ट्विक टेम्पलेट पे पास करेंगे और वहाँ से गेट करके उसको शो कराएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और टेम्पलेट पे काम करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।